श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 आज का एकादशी तिथि है। थोड़ा एकादशी के बारे में हम थोड़ा भी आज चर्चा करते हैं। एकादशी के बारे में कुछ हम लोग चर्चा भी करेंगे। एकादश इंद्रियों की हम कैसे दमन करके और भगवान की भजन करें। पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय और मन एकादश रूप है। इस प्रकार अम्बरीश महाराज अपने सारी इंद्रियों की जो है भगवत सेवा में अम्बरीश महाराज तथागत पृथ्वी के राजा होते हुए पर ही कैसे राज्य शासन भी करते क्योंकि इस संसार के लोग विषय में पड़ जाए तो विषय से ऊपर उठना बहुत कठिन होता है, है कि नहीं। किंतु अम्बरीश महाराज शशागरा पृथ्वी के राजा थे उस समय, है। आज जो देख रहे हैं ये पृथ्वी के जो मानचित्र देख रहे हैं, है? जो मानचित्र देख रहे हैं, मानचित्र समझते हो, मैप, ये जो मानचित्र देख रहे हैं ये सारी पृथ्वी की एकछत्र राजा कौन थे? अम्बरीश महाराज, है। तो ऐसे विशाल राज्य के कैसे राज्य शासन कैसे करते थे, मेरी आपका प्रश्न होगा। आज तो इतने विशाल जो पृथ्वी, इसके यानी कितने देश, कितने लोग और ना जानी कितने प्रशासक भी हैं। किंतु उस समय श्रीमद् भागवत में आ रहे ये शशागरा पृथ्वी के राजा कौन थे? अम्बरीश महाराज। तो प्रश्न उठता है ऐसे विशाल राज्यों के कैसे शासन कैसे करते थे और भजन साधन कैसे करते थे, है? हम लोग की एक दिन की दो दिन कहीं उत्सव हो उसमें ही नाम छूट जाता है, पूरा नाम हो नहीं पाता है, है? कर्म व्यस्त हो जाते हैं, काम में ये काम करना वो काम करना ये करना, छोटा उत्सव होने का, है। किंतु अम्बरीश महाराज इतने विशाल राज्य के शासन कैसे करते थे, यही प्रश्न उठा रहे हैं। अम्बरीश महाराज वास्तविक राजा होते पर भी वो अनासक्त थे, समस्त राजकाज जो परिचालन जो है सब मंत्री वर्ग को दे देते थे, है? और सब के दे करके वो एकांत निश्चिंत होकर के सारी इंद्रियों के जो है चक्षु कर्म नासिका जिह्वा त्वचा, है, और वाक्पाद पाणिपाय उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये सभीयों के क्या करते थे ना? भगवत सेवा में लगाते थे, है भाई। जो व्यक्ति जैसे इंटरेस्ट है उसके उसी कार्य में लगा दो और अपने भजन करो, उनकी सेवा में करती थी पत्नी, तो वही है जो पत्नी पति के भगवत सेवा में, पत्नी वो है, वह है जो पत्नी पतिदेव के जो है भगवत सेवा में सहायता करती है, है? उसी को तो पत्नी कहा जाता है। तो अम्बरीश महाराज
एकादश इंद्रियों को जो है कैसे भगवत सेवा में लगाते थे। कुड यू ब्रिंग द माइंड बुक द स्मॉल दिस रेड कवर जो अभी नया जो है। ये पादु हरे क्षेत्र सर्पण है। अम्बरीश महाराज अपने चरण के जो पैर के जो है भगवान की जो लीला भूमि जो है वहीं पर प्रयोग करते थे, यानी धाम परिक्रमा करते थे। करु हरि मंदिर मार्जनादिशु अम्बरीश महाराज क्या करते थे, हाथों के द्वारा जो है स्वयं भगवान की शिवग्रह की सेवा आदि करते थे। हैं देखो क्योंकि अम्बरीश महाराज का एकादशी के दिन जो है किस प्रकार अम्बरीश महाराज एकादश एकादश माने ग्यारह इंद्रियां जो है कैसे भगवान की सेवा में लगा है। सवई सवई कृष्ण सवई मन कृष्ण पदारविंद वाचांश वैकुंठ गुणानुकथरे करु हरि मंदिर मार्जन आदिशु। वाह मुकुंदा लिंगालय दर्शन दृश्य हाँ कितना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के सब लोग याद करना चाहिए, महाराज से हम लोग याद कराते थे और धीरे धीरे हमारा भी स्मरण शक्ति कम होती जा रहा है। कोरोना बढ़ते जा रहे और स्मरण शक्ति कम होती जा रहा है। 60 प्लस हो जाए ना वो मरण शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। है बहुत सुंदर ये श्लोक है। कहाँ गए शवई मन बारह तो बहुत सुंदर श्लोक। ये कौन कौन याद किया, याद है आपका, याद है और किसी का याद है? ये श्लोक पढ़ो तो आनंद लगे है। सवई बारो बहत्तर सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसे वैकुंठ गुणानुवर्णे करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकर अच्युत सत्कथोदये लिंगालय दर्शने दिशो तदवृत्त गात्र स्पर्श अंग संगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरवे श्रीमत्तुल संग्रसनां तदर्पिते। पादु हरि क्षेत्र पदानुसरपणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दस्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयरती। ये अम्बरीश महाराज अपने मन को जो है भगवान की चरण कमल में स्मरण की लगा दी। सवई मन कृष्ण पदारविंद वचांसी वैकुंठा गुणानु वर्णने अपने जिहा के जो है बाप के जो है कैसे ना भगवान की कथा में नियुक्त कर दिए है। हरि मंदिर मार्जुनादिशो और करेर करो हरि मंदिर मार्जनादिशो। अम्बरीश महाराज अपने हाथों के जो है श्री हरि के मंदिर मार्जन में लगाया सब करने के लिए। राजा होकर के झाड़ू देता है कोई है? जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय राजा जो झाड़ू देता है एक फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, करते कि नहीं करते? देखा आपने जो देखे जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के रथ आते रथ जब चलने के पहले
वो राजा झाड़ू लेकर के फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। झाड़ू तो सोने के झाड़ू में झाड़ू दिया जाता है कि किंतु अम्बरीश महाराज अपने मंदिर में नित्य प्रत्यह झाड़ू लेकर देकर दे, झाड़ू पोछा सब अपने हाथ में करते थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं करु हरि मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिंग चकरा अच्युत सत्कथोदय। अपने दोनों कानों के जो है भगवान अच्युत की सत्कथा में अमृतमय कथा में जो है लगाते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो अहो अपने जो है आँखों के जो है भगवान श्री हरि के विग्रह की दर्शन में लगाते थे। विग्रह दर्शन ऐसे कर मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो तदभृत गात्र स्पर्श अंग संगमम। और देखो अम्बरीश महाराज किस प्रकार जी अपने शरीर स्पर्श संगम के अंग स्पर्शन से और कृष्णदास दिखे के शरीर स्पर्श दानी सेवा आदि करते थे अर्थात भक्तों की सेवा है। हाथ भगवान किस ले दिया है भक्त की चरण सेवा करने के लिए। चरण सेवा की सर्वोत्तम महात्मा दिखाया गया है। यह तक भी रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी के चरण सेवा करने के कितने ललायित हो रहे हैं। आज पदाब्जुस्तव बिना वरदासमेव नन्नात कदापि समय कील देवी जाचे सखायते ममो नमस्ते नमस्ते नित्यं दस्सायते ममो रसस्तु रसस्तु सत्तम। रूपमंजरी राधा जी के चरण सेवा कर रही है और उस सेवा को प्राप्ति करने के लिए रूपमंजरी के अनुगत्य में राधा जी की चरण सेवा प्राप्ति के लिए कितने ललायित हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अम्बरीश महाराज यह करें जी तद्वृत्त मैंने भगवान के जो सेवक है उनके गात्र स्पर्श संगम कितने ललायित हो रहे हैं। भक्त पद धूली आर भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष ये तीन साधनेर बल ये तीन हई ते प्रेमा हय सर्वशास्त्रे पुकारिया कह विश्वास करिया भाई करो ये तीनेर सेवन ये तीन जो सेवा जो है अति आवश्यक करे। क्या क्या भक्त पद धूली भक्त की चरण धूल सिर पर धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा भक्त कौन है राधा जी है। जितने भक्त के आप तारतम्य करके लेकर के चले सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है श्रीमती राधा जी। तो राधा जी के चरण धूल हमें प्राप्ति हो। अरे हमें क्या प्राप्ति भी यहाँ तक भी कृष्ण भी राधा जी के चरण धूल के लिए बुखार लीला प्रकट कर दिया। बुखार लीला करते हैं ना कभी कभी राधा जी के बुखार हुई कृष्ण के बुखार हो गया तो उसके लिए द्वारका में द्वारका भी लीला हो रही है। नारद ऋषि की बोल नारद ऋषि जाओ ये धूल ले आओ भक्त धूल और वहीं पर द्वारकापुरी में जितने भी महिषी थे सब तो डिघ्नत के थे हम कृष्ण की श्रेष्ठा है सेविका है और तुम्हारे अपने धूल दे दो बोले नरक में चले जाएंगे अपने चरण धूल कृष्ण के कैसे दे। तो नारद ऋषि ब्रज में आया ब्रज में आकर के इतना ही कह दिया ये कृष्ण की कृष्णा यदि ये कृष्ण के बुखार जो है उतार नहीं रहे यदि आप लोग को एक चरण धूल दे दो और उनके सिर पर पड़ जाए बुखार उतर जाए। तो उस कथा के सुनते ही देखो सारे ब्रज देवियाँ के लक्ष्मी आदि समस्त जितने लक्ष्मी कर राधा आदि जितने भी गोपियाँ जो है बोले एक नहीं हम लोग के जितने चरण धूल लेकर के जाओ हम नरक में जाए कि स्वर्ग में ये चिंता नहीं करते। और नारद ऋषि वो समस्त गोपियों के चरण धूली लेकर के आगे नारद ऋषि भी सौभाग्यवान है इसी बहाने से उनके तो चरण धूली ब्रज से द्वारका लाने के लिए ले जाने के लिए ये मिल गया सुयोग मिल गया और वहीं पर के कृष्ण के सिर पर थोड़ा लगा देखो कृष्ण के बुखार चला गया धूल के मध्य। आज हम लोग जो गोपी चंदन जो लगाते हैं ये है क्या चीज़
ये राधा आदि गोपियों की चरण रज कहा गया। हम लोग राधा कुंड की तिलक नहीं करते नहीं है आज तक भी जाए दरगाह में, ये जहाँ पर वो नारद ऋषि ने अवशिष्ट जो धूल जो है गोपियों के चरण धूल, इसके राधा जी के चरण धूल जहाँ पर डाल दिया, उसके एक विशाल जो सरोवर कुआं बन गया, जिसे गोपी तालाब कहा जाता है, गोपी तालाब कहा जाता है। उसी गोपी तालाब से ही ये सब लाया जाता है और हम लगाते हैं शरीर पर। ये सर्वश्रेष्ठ भक्त की चरण धूल की महिमा स्वयं भगवान भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ये अम्बरीश महाराज क्या करते कर भक्तों की गात स्पर्श अंग संगम घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरभे। भगवान की चरण कमल में अर्पित तुलसी की सुगंध मकरंद जो है आस्वादन करते थे है। श्रीमत तुलसंग रसनांग तदर्पिते, और तुलसी जो है ग्रहण करते थे और भगवत निवेदित प्रसाद ग्रहण करते थे। पादु हरेर क्षेत्र पदाणु सर्पणे, अम्बरीश महाराज अपने पैर को किस में लगा देते, भगवान की लीला भूमि की परिक्रमा करने के लिए, तुलसी आदि लेकर के भगवान के जहाँ जहाँ पर लीला भूमि है, सबसे बड़ी लीला भूमि कौन सा है जहाँ पर परिक्रमा करना चाहिए, नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम छोड़कर कोई बड़े धाम नहीं है, ना ही त्रिभुवने है। पहले किसको करना चाहिए साधक के, कौन सा धाम परिक्रमा करना चाहिए, नवद्वीप धाम है, सब नवद्वीप धाम चलो। नवद्वीप धाम परिक्रमा के बाद ब्रजमंडल परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा करना चाहिए है। इसलिए नवद्वीप धाम परिक्रमा और वृंदावन परिक्रमा, ये वास्तव जो है श्री भगवान की जो लीला भूमि है। इसलिए कहते हैं ये समय दिखा दे ये कितने सुंदर पादु हरे क्षेत्र सर्पण पड़े, सिरो हिषिकेश पदारि वंदन है, अपने सिर को जो है भगवान के जो है चरण कमल अर्पित करते थे। कामंच दस न तो कम कामया जथा उत्तम श्लोक जनाश्रति, समस्त कामना के जो है भगवत सेवा में लगा देते हैं। बद्ध जीव की अनेकों कामना है, सब कामना के किस में लगाओ, काम धातु, कम धातु से कामना शब्द उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति कहाँ से होती है, कम धातु से, धातु समस्त कामना के भगवान श्रीहरि की सेवा, भगवान के सेवा छोड़कर कुछ सेवा करना नहीं। इसलिए अम्बरीश महाराज इसी प्रकार जो है एकादश इंद्रियों को जो है भगवत सेवा में लगा दे। किस में आज एकादशी है साधन रूप में, एकादश इंद्रिय है, और एकादशी में सारी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाया जाए, इससे बड़ी और क्या चीज है। तो और दिन नहीं लगाएंगे क्या, बोले नहीं, हर रोज विशेष करके एकादशी तिथि। अम्बरीश महाराज यही मथुरा में रहते थे हैं, और मथुरा में रह करके किस प्रकार भगवान की सेवा आदि करते थे। कहाँ से आते थे, वृंदावन से और नंदागांव बरसाना न कहाँ से बताओ, वहाँ पर निवास कर टीला बने राजा है ना है, वो स्थान है उनका अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जो है ये धाम छोड़ के कहाँ जाए, इतने सुंदर जो वो राधा कृष्ण उपासक थे, रहते तो मथुरा, मथुराधीश कृष्ण के उपासक नहीं थे। कोई व्यक्ति मथुरा में रह रही इसके मालूम इसके मतलब नहीं है जो मथुराधीश कृष्ण की सेवक है बस सेविका है। यहाँ पर प्रश्न कर राधा कृष्ण के उपासक थे अम्बरीश महाराज है, क्योंकि जुगल सेवा हो, और अम्बरीश महाराज कोई साधक नहीं है, वो सिद्ध है, तथापि एक साधक के भांति हमें शिक्षा दी दे रहे हैं, नित्य सिद्ध परिकर भी है। क्योंकि बहुत लोग की ये कहते हैं हमें एकादशी पालन करने की जरूरत नहीं है, हम तो सिद्ध हो गया, अथवा कोई लोग कहते हैं हमें ये सब पालन करना नहीं है, विधि मार्ग में क्यों रहे हैं, हम राग मार्ग में चले, किंतु नहीं। अम्बरीश महाराज देखो ये सब नित्य परिकर होते हुए पर भी
किस प्रकार एकादशी करते थे, है जैसे हम लोग वो जाते हैं मथुरा में, वो कौन सा जहाँ पर अम्बरीश भाई नंद महाराज विश्राम करते थे रात्रि काल में, और उस समय एक जो है अजगर आकर उसको निकाल लिया है, वो कौन सा भी है जहाँ पर हम जो जाते हैं, वो टीला जो है, अरे महाविद्या कॉलोनी न के उसमें महावदेवी है, वहाँ पर जो है अम्बरीश महाराज रात्रि काल में विश्राम कर रहे थे, और ये अजगर आकर के कह के उनको नंद बाबा विश्राम, हाँ नंद महा नंद बाबा विश्राम कर रहे थे है, और उस समय उसके सामने सब लोग हाहाकार करने लगे, क्या करे, अजगर तो अंदर में ले लिया, थोड़ा सा बचा है, और कृष्ण ने कहा कि आकर के अपने चरण के स्पर्श किया, कृष्ण के चरण स्पर्श होते ही और वो नंद महा के छोड़ दिया, सुंदर रूप धारण करके कृष्ण के नंद महा की परिक्रमा करके चले गए अदृश्य। तो इसके द्वारा प्रमाण होता है ये समस्त नित्य सिद्ध होते हुए पर भी है एकादशी आदि पालन करते हैं, क्योंकि बहुत जो जिसके लिए कहता है हिधरी वंश के जो है वो लोग एकादशी पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं देखो एकादशी के दिन हम ठाकुर जी के भोग क्या लगाते हैं, क्या बनाया आज, चावल रोटी सब्जी बनाया कि नहीं सब्जी बनाए, तो प्रसाद कौन खाएगा, चिट्टियाँ खाएगी क्या, हम खाएंगे हैं, अरे महाप्रसाद है, महाप्रसाद में कोई दोष नहीं लगते है, गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य उनके नाम था क्या हिथोरी, उन लोग के आज तक भी उन लोग के जो है इसमें वो ये नहीं करते हैं एकादशी पालन नहीं करते हैं, भगवान के लिए सब तो कर सकते हैं, सब समर्थ है, किंतु साधक के लिए आपके नियम पालन करना ही पड़ेगा है, इसलिए वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य उनके नाम था क्या हिथरी, वो गए कोई मंदिर में गए तो वो पान लेकर के पांच बार हैं गोपाल भट्ट उसमें बेटा अरे आज एकादशी है लेना नहीं चाहिए पान खाना चाहिए, नहीं पान तो पत्ता है, पान पत्ता है ना, गीता में लिखा है पत्र पुष्पंग फलंग तो ये पत्र है, अरे पत्र कहने से एकादशी के दिन जो पत्र लेना है केवल तुलसी पत्ता छोड़ करके और किसी का पत्ता लेना नहीं है, और तुलसी अपरागित है, है वो गुरु के साथ क्या करने लगे, बस वाद विवाद करने लगे मूर्ख, अरे मैंने इतने कष्ट करके सारे श्लोक के उद्धार किया, हरिभक्ति विलास में लिखा गया है जो एकादशी के दिन किसी प्रकार से जो अन्न भोजन करना नहीं चाहिए, और तुमने क्या कहा एकादशी के दिन ठाकुर जी भोग लगाए वो कौन खाएगा है, हम नहीं खाएंगे चिट्टियाँ खा ली, अरे मूर्ख ऐसे नहीं है, विधि के पालन करो, कि तो मानना नहीं चाहते, इसलिए गोपाल भट्ट के समय उसको क्या कर दिया, जा तज्जो मूर्ख शिष्य के रख करके फायदा कुछ नहीं होगा, 1600 है तुलसीदास जी कहते नहीं दि सेवक यदि बुद्धिमान नहीं हो, राजा यदि उदार नहीं हो और क्या दाड़ा याद करता हूँ है तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखा है इसमें तो याद आचे अपने 1600 है हाँ आ गया हमारे आ गया मुझे तो मुझे बनाई क्या कहा हाँ सेवक सरण निपकु को नारी मित्र यह रामचंद्र मानस में संग रामचंद्र करे है सेवक सठन निप कृपण कु नारी कपटी मित्र सुलभ समाचारी है सेवक जो बुद्धिमान बुद्धिहीन हो सेवक जो बुद्धिमान नहीं हो है तो वो आपके कष्टदायक होगा, राजा जो कृपण हो है उस राजा के द्वारा आपके सुख शांति नहीं मिलेगा, केवल टैक्स ले लेंगे और एक पैसा भी जनहित के लिए वो कार्य नहीं करेगा है वो कष्टदायक होगा कि नहीं है, केवल राजा कहे मुझे टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो टैक्स भरा किंतु एक पैसा भी
है, जनहित कर कार्य नहीं करते, वो दुखदायी है, है? इसलिए कह रहे हैं स्त्री यदि कुलोटा हो, कुलोटा समय असती नारी, जो स्त्री कुलोटा हो है तो उसके द्वारा आपके सुख शांति भी नहीं मिलेगा, है? और मित्र यदि कपटी हो वो पीड़ा देने वाले होता है। इसलिए तुलसीदास रामचरित मानस में यही कह रहे हैं, सेवक सठन निपक कुनारी और कपटी मित्र सुल समचारी, है कि नहीं बताओ। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो कह रहे हैं सेवक कहने की वस्तु कह रहे हैं क्या, शिष्य भी मानना चाहिए। यदि सत शिष्य नहीं हो और गुरु के आदेश पालन नहीं करे तो दुखदायी होगा कि नहीं होगा, है? आप बताओ। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी कहने लगे, है, अरे मूर्ख, आज एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि में मैंने लिखा जे निर्जला शरीर स्वस्थ हो, ठीक हो, सबल हो तो निर्जला करो, है, पानी तक मत पियो। कुछ कुछ लोग कहते हैं हम पानी नहीं पियेंगे, दूध पी लेंगे, पानी पीने की कहा गया, जूस पी लेंगे, है, बोले नहीं, निर्जला शब्द के अर्थ होता ही है जल से लेकर के सब कुछ खाना बिल्कुल क्या करना चाहिए, बंद होना चाहिए, है? आश्रम इसी प्रकार का शास्त्र में इसे लिखा है। और शरीर यदि ठीक नहीं हो कोई बात नहीं, आप फलाहार करें, है? आश्रम जो ठाकुर जी के भोग लगाया वही फल आप ग्रहण करें जितने समय तक, थोड़ा पानी पी ले, कुछ भी दोष नहीं लगता है। भक्त कृष्णार्थे अखिल चेष्टापरायण होना चाहिए, है? किंतु ये गुरुदेव के बात नहीं माना, तर्क करने लगे, है? कुछ होते हैं गुरु के ऊपर गुरुगिरी करना चाहते हैं, गुरु के बात नहीं मानते, है? इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी लोक शिक्षा दे दिए, ऐसी शिक्षा में जरूरत नहीं है, उसको भगा दिया, है? और उन्होंने जाकर के अपना एक पंथा शुरू कर दिया, पंथा समित दूसरी एक पद, इसलिए बहुत लोग भीड़ जमा देते हैं यहाँ पर, है? मैंने देखा बहुत दिया, है? किंतु वहाँ पर जाओगे ना वो लोग सब रस कथा बोलते हैं, हितहरी वंश की जो है उनकी जो है क्या कहते हैं उसको, ठाकुर जी क्या सेवा कहते हैं, बिल्कुल हमारे रूप सनातन गौड़ियों मठ के जो उस तरह रहते हैं, पीछे के उस तरह रहता है, है? हरिवंश, हरिवंश क्या राधा वल्लभ जो है, इतना सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कथा सुनाई, मैंने ये सुनाई केवल राधा कृष्ण के मिलन लीला, विरह की कथा लोग सुनाते नहीं है, इतना सुंदर मिलन की कथा सुनेंगे, संग रस की कथा सुनाएंगे सब, है, इतना सुंदर कथा सुनाते रहे, बहुत भीड़ जमता है उधर। आज एकादशी के दिन ना वहीं पर हर रोज उनके देख लो, कभी जाकर देखना, इतना भीड़ जमता है, और एक है हाँ यही करते रहते, किंतु ये कहते हैं छल धर्म कपट धर्म कहा, इसलिए हमारे कहते हैं पृथ्वी पे आचे जत छल धर्म, पृथ्वी पे जत कथा धर्म नामे चले, भागवत कहे तार परिपूर्ण छले, है? ये पृथ्वी में अनेकों जो कथा जो है ये छल धर्म है, कपट धर्म है, इसमें शुद्ध सत्यता नहीं, ये भक्ति नहीं होती, क्यों शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन किसी प्रकार से अन्न भोजन करना नहीं चाहिए, विशेषकर पांच प्रकार के अनाज जो है भोजन करना नहीं चाहिए, पांच प्रकार के अनाज किसी को देना भी नहीं चाहिए, है? एकादशी के दिन किसी को बुलाना भी नहीं चाहिए, आओ भोजन करो, फलाहार करो, वो भी करना नहीं चाहिए, है? कोई मानव ब्रह्मचारी मैं तीन ताला बिल्डिंग में जाकर चलो जब घंटा पड़ेगा तो मैं भजन करने के लिए जाऊंगा एकादशी के दिन, है? इसलिए गुरुदेव कहते थे हम नहीं कहते, एकादशी के दिन घंटा मत बजाओ, क्यों? अरे यदि एकादशी के दिन वो यदि भजन नहीं किया तो अच्छा ही है, उसके ही कल्याण होगा, हाँ समझिए, यही है सर रास्ते में, है? किंतु ये सब संप्रदाय क्या है, असत संप्रदाय माना जाए, सत संप्रदाय नहीं, ऊंची ऊंची कथा बोलने से जो महाभक्त बन जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, है? कहते हैं हाँ कितना रस कथा बोलते हैं भैया,
हम तो जाते हैं तो बस आनंद में डूब जाते हैं, 3 घंटा जैसे 3 मिनट भी नहीं लगता है। महाराज इतनी सुंदर कथा बोलती है, आह आंखों से आंसू, हारमोनियम और क्या क्या बजा करके बोलते रहे। किंतु ये सब धर्म, ये सब क्या है? छल धर्म, कपट धर्म कहते हैं। धर्म प्रजित कोई तो वो अत्र, ये कपट धर्म कहा गया है। किंतु कलयुग है ना, जितने जितने तुम जितने रंगबाजी करोगे, रंगबाजी सुनते हो ना, जितने पान के मसाला दोगे, चटपटी दोगे है, लोग उसके बहुत आनंद होता है, कहेंगे हाँ ये अच्छा है। किंतु ये नहीं है, छल धर्म कपट धर्म। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको त्याग दे दिया, ऐसे गुरु ऐसे शिष्य की हमें जरूरत नहीं है जो छल कपट और गुरु के आदेश पालन कर रहे नहीं है। ये क्यों वो कहा नहीं आगे तुलसीदास रामजी ने, सेवक ये सब क्या है? शूल समाचारी, शूल समझते कि नहीं, शूल क्या है? पेट में जो अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं ना, जिसके पेट में गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसे पेट में हर समय दर्द रहता है, है कभी जोर से होता है कभी धीरे धीरे होता है, 24 घंटे में 24 घंटे है अर्जुन। तो उसी प्रकार तुलसीदास ने यही करे, हम थोड़ी करे है। इसलिए उन्होंने कहा जाओ इसे भगो, जरूरत नहीं है, और भगा दिया तो उन्हें अपने एक संप्रदाय वो तैयार कर दिया। कलयुग है ना, बोले कहीं से कहीं निकाल जाए तो अपने कहीं ना कहीं एक है कर लेंगे। जैसे कालाचांदी संप्रदाय, चलो आप लोग जानते हैं कि नहीं, कालाचांदी समझे है नहीं जानते? जैसे महाप्रभु जब दक्षिण देश से हैं भ्रमण कर रहे थे है, महाप्रभु के साथ एक सेवक था, उसके नाम था काला कृष्णदास है, और वे भट्टाचार्य के दल में चला गया। भट्टाचार्य जो बंजार लोग होते हैं ना, कुछ दिन एक स्थान में रहते चले जाते, उनके साथ कोई लड़की था, उसके साथ प्रेम हो गया। महाप्रभु तो सर्वंत्र जी भगवान, महाप्रभु ने क्या उसका चिट्ठी पकड़ के लाया, और वहीं पर महाप्रभु ने भगवत्ता को ऐश्वर्य की प्रकाश किया, महाप्रभु ऐसे प्रकाश कर दिया, देखो वो सारे भट्टाचार्य बंजार जो है महाप्रभु के मारने के लिए तैयार हो गए। और महाप्रभु उस समय क्या लीला प्रकाश की है, सभी लोग देख रहे हैं महाप्रभु की तरफ देख रहे हैं, और एक दूसरे के साथ अपने आप मारपीट करने लगे, सबसे इसको देख रहे ये महाप्रभु है महाप्रभु, और एक दूसरे की पिटाई करने लगे, समझ में आ रहे ना? जैसे भगवान रामचंद्र उसके जो है एक मारने के लिए खरदूषण के ऐसे बांध छोड़ दिया, तो एक दूसरे अपने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, उसमें एक दूसरे के देखे मैं राम हूँ और मैं ये हूँ बस। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ऐसे भी ऐश्वर्य लीला प्रकाश किया है, और वो सब जो है क्या करने लगे, वो अपने आप मारपीट करने लगे, और महाप्रभु और उनके चोटी पकड़ करके लेकर के आया, पर जब पिटाई करो चल, और फिर आकर के जगन्नाथपुरी के आने के पहली वो अलालनाथ के पास आकर के कहते इसको जरूरत नहीं, भगा दी इसको। और वही जो जो है एक संप्रदाय बना लिया जिसको कहा जाता है क्या, कालाचंदी संप्रदाय। उसमें भी ऐसी किसी प्रकार है जिसे अपसंप्रदाय आ गए, जो सारे अपसंप्रदाय कहाँ से आया इसके लिंक आपको देखो है, वहीं पर भी इसी प्रकार है दुष्ट दुराचारित करते रहते हैं है, तिलक लगा लेते हैं और किंतु अनेक प्रकार जो है व्यभिचार आदि करते रहते हैं है, ये समझते दिखा रहे। मैं नहीं कह रहा इसी प्रकार जो है सब अपसंप्रदाय चलते जा रहे, सच बोलो तो हमें पिटाई कर गया, हमें भले एकादशी के एकादशी चैतन्य महाप्रभु समय हो गया मतलब संग चैतन्य महाप्रभु जगत के शिक्षा दी, जब चैतन्य वो जगन्नाथपुरी में रहने लगे है, कुछ लोग कहने लगे है, स्मार्ट ब्राह्मण कहने लगे ये हम यहाँ पर यदि एकादशी करते हैं, हमारे एकादशी के दिन जगन्नाथ जी के प्रसाद चावल दाल तो बिक्री नहीं होगा, बीचे कोई खरीद नहीं करेगा है, इसलिए आज तक भी वो लोग एक प्रवाद कह दिया, बोले जगन्नाथपुरी में सब एकादशी का हम क्या कर दिया, उलट करके हम बांध दिया। कौन बांधा? पंडा लोग बांध दिया। बोले एकादशी कौन है, पंडा लोग तुम बांध दिया। बोले यहाँ पर एकाद जगन्नाथपुरी में आकर के ये सब करना नहीं है। देखो चैतन्य चैतन्य में ये कथा भी है जो तीर्थ स्थल में जाकर के ये सब करने के पहले तीर्थक में जाकर के तीर्थक की प्रसाद ग्रहण करना चाहिए,
पौर आदि होकर के, शास्त्र में एक समर्थ विधान भी है, हरिभक्त विलास में लिखा है, वो भी कथा वो आपको सुनाएंगे। तीर्थस्थल में जाकर के खौर विधान आदि के द्वारा माने सेविंग मुंडन आदि करके पाठ पूजा करके दक्षिणा देना और तीर्थ में क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। हाँ समझे, उसी श्लोक के वो कहते हैं, सुनाएंगे स्मार्थ ब्राह्मण लोग। इसलिए कहते हैं ये धाम में एकाद केवल जगन्नाथपुरी में आकर के एकादशी करने की जरूरत नहीं है, ये जगन्नाथ जी के प्रसाद और अनेकों श्लोक आपको सुना देंगे। बोले प्राप्ति मात्र भक्षव, जगन्नाथ जी के प्रसाद के में बहुत विवरण है, महत्व है, है? बोले कुत्ते के मुँह से यदि प्रसाद निकल गिर जाए तभी ग्रहण करना चाहिए, और जगन्नाथ प्रसाद आने के साथ ही साथ है वो ग्रहण करना चाहिए। आप पवित्र हो अपवित्र हो, स्नान किया नहीं किया, कुछ करना नहीं है। यहाँ तक भी अपने गायत्री मंत्र जप किया कि नहीं किया है, और जो कुछ प्रसाद जो है सब विधि दिया, किंतु जगन्नाथ जी के ऐसी महिमा दिखाया गया है जे प्राप्ति मात्र व भक्ष्य व, आने के साथ ही साथ जगन्नाथ जी के प्रसाद करो, ग्रहण करो। इसलिए पांडा लोग इसी कथा सुना दिए, और भक्त लोग आकर चैतन्य महाप्रभु के कहने लगे, प्रभु ये पंडा लोग तम के ऐसे बोल रहे। महाप्रभु बोले ठीक है देखते हैं। दूसरे दिन क्या कि एकादशी के दिन वही पंडा लोग जगन्नाथ जी के प्रसाद के जो है थाली भर के, सुंदर थाली भर के लेकर के आए, महाप्रभु को दिया। महाप्रभु समस्त भक्तों के साथ बैठे हुए थे, और महाप्रभु देकर के बाद रोने लगे। महाप्रभु उनके भाषा में, उड़िया भाषा में कहते फेला फेला, माने जगन्नाथ जी के उच्छिष्ट प्रसाद को फेला कहते हैं लोग, हैं फेला कह देते हैं उड़िया भाषा में, हैं। और महाप्रभु तो रोने लगे, नानी जी ने कितने श्लोक के महाप्रभु चिंतन करने लगे, रोने लगे, हैं वेणुगीत से लेकर के नानी कितने के। और महाप्रभु भक्त बोले ठीक है, महाप्रसाद तो आ गया, प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद सबको दिया जाएगा। पंडा लोग बैठे, महाप्रभु क्या बोले, देखो महाप्रसाद जो है जगन्नाथ प्रसाद साक्षात जगन्नाथ देव है। हम पहले जगन्नाथ देव के स्तव स्तुति करें, है जैसे हम महाप्रसाद पाते हैं, महाप्रसाद साक्षात भगवत स्वरूप है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सर्वपुण्य वतांगराजन विश्वास नैव जायते, महाप्रभु की स्तव स्तुति, महाप्रसाद की स्तव स्तुति। और फिर महाप्रभु बोले देखो ये महाप्रसाद आ गए, हम लोग क्या करेंगे, इसके परिक्रमा भी करेंगे। हरि हर ये नमः कृष्ण जादवाय नमो, जादवाय माधवाय केशवाय नमो, गोपाल गोविंद राम श्रीमद सुदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। इसी प्रकार महापुरुष समस्त भक्त लेकर के मृदंग करताल के साथ परिक्रमा करने, सारे रात परिक्रमा करने लगे। महाप्रसाद है ना साक्षात जगन्नाथ। ऐसे करते करते प्रातःकाल हो गया, अरुणोदय हो गया। महाप्रभु बोले चलो आज हम जो समुद्र में स्नान करके आते हैं, स्नान किया, स्नान करके देखा सूर्य उदय होने वाला, अरुणोदय हो गया। बोले गायत्री जल्द गायत्री मंत्र सब जप कर लो। गायत्री मंत्र जप करने के बाद क्या करना चाहिए, यही महाप्रसाद जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के द्वारा हम क्या करेंगे, आज पारण करेंगे। पारण के समय लिखा रहता ना, आज जो एकादशी किया काल पारण के समय आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके फल प्राप्ति नहीं होगा। इतने कष्ट करके जो आप एकादशी देव पालन किया, यदि पारण ठीक समय नहीं किया तो आपके फल प्राप्ति नहीं होगा। सब याद रखना, ये यहाँ पर लिखा रहता है ना बोर्ड में, है हर मंदिर में आप जाओगे लिखा रहता है, ये दूसरे दिन है सूर्य उदय के पश्चात इतने समय के अंदर आपको पारण करना चाहिए। हमारे मथुरा में जितना भक्त सबको तो ये दिया जाता है, क्या बोले पंजिका है, एकादशी पंजिका सबको दिया जाए, सब घर में रखो, वो तो फ्री में हम देते हैं इधर, है सब लोग अपने घर में ये पंजिका रखो और देखो उसमें जो पारण के टाइम है, पारण के हम जो व्रत किया उसके खोलना है, सभी लोग ऐसे रखो, है नहीं तो आपके फल नहीं मिलेगा इतने कष्ट करके। अधिकांश लोग तो करते हैं एकादशी ब्रज में, किंतु वो लोग पारण के टाइम नहीं देखते हैं, है? इसी को लेकर ही तो अम्बरीश और दुर्वासा की जो कथा जो है इसी के ऊपर भित्ति करके हुआ है, और किसी के नहीं। एकादशी की कथा जो अम्बरीश महाराज के, इसके मूल क्या चीज़ है, जो झगड़ा जो कहा गया एकादशी के, जो क्या बोले अम्बरीश और दुर्वासा की जो महिमा हम देखते हैं उसमें क्या, यही पारण विधि के लिए और कुछ नहीं है। बड़े बड़े पंडित लोग तो बोलते हैं किंतु इस कथा को सहन करते ही नहीं है,
है। इसलिए पारण के ऊपर आप ध्यान रखिए, काल किस समय पारण करना है। देखो महाप्रभु भी जगत में शिक्षा दी है, महाप्रभु देखे तो अरुणोदय हो गया, अभी पारण के समय हो गया, बोले सब गायत्री मंत्र अभी जप कर लो और इस समय से इस समय तक वर्ण। वही महाप्रसाद के दिया द्वारा महाप्रभु पारण किया, वृक्ष जिसको कहा जाता है। तो ये समय से विधि दिखाए हैं, इसलिए नहीं है जो जगन्नाथपुरी में गए हम बस वो आनंद मार्केट में चले जाएंगे और पेट भर करके खा लेंगे, ऐसी नहीं, ये विधि दिखाएगा। एकादशी के दिन कहीं भी रहे, हम इंग्लैंड रहे, अमेरिका रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, भारतवर्ष में कहीं भी रहे, घर में रहे, क्या करो एकादशी पालन करो और दूसरे दिन जो समय दिया गया उस समय के अनुसार है वो व्रत को आपको तोड़ना पड़ेगा। है सबसे अच्छी उत्तम जो है भगवत रूप से विशेष करके आपके घर में रख दो, थोड़ा जगन्नाथ जी के जो सुखी जो चावल प्रसाद होता है ना उसके थोड़ा रख दो, पर देख लिया टाइम मधुर दाना दे दो, फिर इसके बाद आप जैसे आपकी समय हो आप भोजन करो, जो कुछ भी करो। गुर प्रेमानंदी हरिभूत महाराज बताइए।